सूचना केंद्र के पूर्व उप निदेशक प्रभात सिंघल द्वारा लिखित पुस्तक पर्यटक और संग्रहालय का विमोचन जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर द्वारा किया गया। कलेक्टर उज्जवल राठौर के अनुसार पुस्तक के लिए प्रभात सिंघल ने काफी मेहनत की है। पुस्तक में प्रदेश भर के संग्रहालय और पर्यटकों के बारे में जानकारी है। पुस्तक में देश भर के 800 में से 90 संग्रहालय को शामिल किया गया है। पुस्तक को प्लेटफॉर्म पर लाने में करीब 7 साल की मेहनत लगी है। इस अवसर पर उपनिदेशक हरिओम गुर्जर, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा व एडवोकेट अख्तर खान अकेला उपस्थित रहे। यह पुस्तक है संग्रहालय के बारे में कि किस प्रकार से संग्रहालय हमारे पर्यटन को हमारे देश में पुष्ट करते हैं और उनको संबल प्रदान करते हैं। इस वैसे तो भारतवर्ष में जो सूचना है लगभग 800 संग्रहालय भारतवर्ष में, लेकिन हमने इसमें 90 संग्रहालयों को शामिल किया है। इन संग्रहालयों में से करीब 50% संग्रहालय मैंने व्यक्तिगत रूप से जाके मौके पर देखे, और यह संग्रहालय मैं आशा करता हूँ कि यह संग्रहालय की यह पुस्तक पर्यटकों के लिए उपयोगी। कितने समय की मेहनत है यह साहब? मेरे करीब 6 महीने की मेहनत, और घूमने का और व्यक्तिगत जाने का लगा हो तो करीब 7-8 साल की है। स्थिति है, सिंघल साहब ने पर्यटन और संग्रहालय ये पुस्तिका प्रकाशित करवाई है, की है उन्होंने। आप समझ दो कि इतने पूरे देश भर के संग्रहालयों के बारे में जानकारी लेनी, पर्यटन स्थलों के बारे में, फिर उनके फोटो लेना, ये बहुत बड़ा काम है। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इतना प्रयास किया, पर्सनल प्रयासों से इतनी, आज ये कोटा जैसी छोटी जगह पर जहाँ की राजधानी भी नहीं है, न देश की है न प्रांत की है, फिर भी ये इन्होंने लगातार ये अपना जो साहित्य की जो यात्रा इन्होंने जारी रखी है, और हमेशा दो चार महीने कुछ न कुछ ये अच्छा सा संग्रह पुस्तिका कोई किताब जो काफ़ी कोटा के विशेष करके पर्यटन उद्योग यहाँ की कल्चर के बारे में भाषाओं के बारे में निकालते रहते हैं। तो ये इसको मैं साधुवाद दूंगा सिंघल साहब को, और शुभकामनाएं करता हूँ कि ये अपना यद्यपि कई तरह की समस्याएं हैं आर्थिक से लेके समय की ये, लेकिन फिर भी ये आप करते जा रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। पर्यटन के लिए संग्रहालय का बहुत बड़ा, आप तो देखा होगा दुनिया पूरे यूरोप में देखा होगा हर जगह, ये अपनी एक कोई भी आदमी पर्यटन के लिए आता है तो उस जगह के बारे में जानकारी, वहाँ के साहित्य के बारे में जानकारी लेने जाता है और वहाँ की कल्चर के बारे में, तो संग्रहालय उसको प्रतिरूप देता है, उसका एक मॉडल होता है जिसमें वो पूरे बहुत बड़ा एरिया में घूमना संभव नहीं होता, उसके इतिहास को देखना संभव नहीं होता, तो संग्रहालय हमारे इतिहास को भी बताता है, हमारी कल्चर को भी बताता है, हमारी संस्कृति को बताते हैं और हमारे विकास यात्रा को भी बताता है।